अनुवादों में इस सामान्य और साधारण्य से परिचय कराने का है। तो जब भी हम अनुवाद बताएं तो सबसे पहले हमें लगातार करना होगा। लगातार करने के लिए क्या के अंत में हमने देखा है, इससे हमें वर्तमान का अर्थात लग्न का ज्ञान हो जाए और लग्न का आते ही हमारे दिमाग में अपने आप ई दस अंकि सी था था आमी आला आम अपने आप आ जाएगा। उसके बाद करता जिस पुरुष वचन और लगातार में होगी क्रिया यानी हर भी उसी पुरुष वचन और लगातार में होगी। तो जैसे हमने एक उदाहरण लिया कि वह किताब पढ़ रहा है इस मार्ग में वह मेरा सब्जेक्ट यानी करता है, किताब मेरा ऑब्जेक्ट यानी कर्म है और पढ़ता है मेरा धर्म यानी क्रिया। जैसे भी आप देखेंगे है जिसे आप हिंदी में आसानी से जानते हैं है वो था के थी गा के थी, यह देखते ही हमारे दिमाग में अपने आप लगा का क्या बन जाएगा और लगा के क्या होने पर उसकी जो सूत्र है कि आपका संस्कृत में वो अपने आप आ जाएगा। तो मैंने देखा पढ़ता है देखते ही मेरे दिमाग में लड़का का आ गया और लड़का का आते ही मेरे दिमाग में गीता अरबी सीता पानी आवा आव अपने आप आ जाएगा। उसके बाद सब्जेक्ट बनाते हैं। अब सब्जेक्ट बनाने के लिए हमें जानना होगा पुरुष और वचन, क्योंकि सब्जेक्ट कर्ता और क्रिया के बीच संयोग आश्रय का संबंध है। कर्ता कर्ता यह मैं रहूंगा, क्रिया भर्ती करता मैं भी वही रहूंगा। अब जैसे हम जानते हैं वह का संस्कृत होता है सर्व, और सर्व शब्द जो है वह प्रथम पुरुष के एक वचन, इसलिए क्या भी कहेगा मैं भी लग लगा के प्रथम पुरुष के एक वचन में रहूंगा। तो सीधी सी बात है इससे मेरा शुरू होता है और पढ़ना का पट होता है सीधे पट व्यक्ति होती है। तो सबसे पहले सारिया अब हमने यहाँ पट की थी, ये जो बातें हो गई। अब हमारा यहाँ ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट यानी कर्म। अब यहाँ कर्म में कोई भी चिन्ह नहीं है, ने को से में पद इटिसी, यदि कोई भी चिन्ह यहाँ नहीं हो तो ऐसे स्थिति में सीधे उस शब्द के अर्थ में मोह बना। जैसे मेरा उस किताब का संस्कृत होता है पुस्तक, आप उसमें मोह लगाते हैं, उसमें नहीं करता मैं अपना रूप हूं। वह किताब पढ़ते हैं वह किताब को रोकता है। अब एक एग्जाम्पल हम अपने उसके लगा करेंगे, मैंने किताब मैंने किताब पढ़ा मतलब होगा। अब यहां जब हम काम आएंगे तो हम उसका वर्णन करेंगे, सीधी सी बात आ गई कि भूतकाल का वाचन होता है था के की, या सब्जेक्ट के साथ यदि ने लगा रहता है जैसे मैंने तुमने उसने राम ने मोहन ने, तो सीधा करा आ जाता है वो वाक्य मेरा भूतकाल का है। भूतकाल आते ही यहां मेरा
पुरुष के एक वचन में है तो क्रिया भी हमारा उत्पन्न उसका एक वचन में होगा पदार्थ प्रयास करेंगे।
मतलब है इसके की पेज अगर हम उसके की पेज हो गए हैं तो एक तीन भेद है। नंबर एक प्रथा पुरुष, प्रथा पुरुष जिसको हम देखे हम बोलते हैं छाट पंसन हार पास तो नाम से इतना समझते हैं हार यानी हमने जो पुरुष का परिभाषा निकाला पहला हुआ बोलने वाला, दूसरा हुआ सुनने वाला, तीसरा हुआ जिसके बारे में कुछ कहा जाए। तो प्रथम पुरुष का परिभाषा मतलब तीसरा बस छोटा सा परिभाषा दीजिए जिसके बारे में कुछ कहा जाए, जिसके बारे में कुछ कहा जाए। अब संपत्ति के तौर पर हम ले लेते हैं संस्कृत में जैसे सा सा तब ये तीनों का हिंदी होता है वो माता गजा इंग्लिश चूंकि आप अंग्रेजी में जानते हो ही सी इन नेमिंग वर्ड ही सी इन नेमिंग वर्ड का पार्ट पास तो पार्ट पास का पार्ट पास जिसके बारे में कुछ कहा गया कोई भी वह संस्कृत में हो जाएगा सर्वनाम के रूप में वह आएगा। सा पुरुष के लिए, सा स्त्री के लिए, तब नपुंसक जैसे ही सा सी सा इट तब और नेमिंग वर्ड संसार में कोई भी नाम के लिए वो मेरा थर्ड पर्सन यानी प्रथम पुरुष में होगा जैसे लड़का घोड़ा दूता टेबल पुरुषी पुरस्कार कोई भी नाम नदी पर्वत पहाड़ जितना भी नेमिंग वर्ड होगा वो सारा का सारा मेरा प्रथम पुरुष होगा। जैसे लड़का पढ़ता है अगर हम पूछे लड़का क्या है तो प्रथम पुरुष वह जाता है वह क्या है प्रथम पुरुष। आकाश नीला है आकाश क्या है प्रथम पुरुष क्यों नेमी पुरुष। नदी बहती है नदी सब्जेक्ट क्या होगा प्रथम पुरुष क्योंकि इन दोनों में भी संबंध है पुरुष और भाग के बीच जो जिस पुरुष में होगा मेरा क्या भी उसकी पुरुष में होगा। तो आसान के साथ पुरुषों में निकाल गया सर्वनाम में से सा सा तक एक वचन में हम बोल रहे हैं गजा पर्वता रामा मोहना गजा सर्वा पर्वता कोई भी नाम ले वृक्षा पता चिंता पेटा का गाव ये जितने भी नेमिंग वर्ड होगा संस्कृत में अब हम चलते हैं नंबर दो मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष सेकंड पर्सन सेकंड पर्सन जैसे कि हमने परिभाषा में कहा था बोलने वाला प्रथम पुरुष और सुनने वाला मध्यम पुरुष। तो सिर्फ हम परिभाषा के रूप में यहां लिखेंगे सुनने वाला सुनने वाला बस हमने इसका कहा इसके बारे में कुछ कहा गया वो होगा सुनने वाला मध्यम सेकेंड पर्सन हो जाएगा। और ये संस्कृत में मेरा फिक्स है जैसे अगर हम लेते हैं तो
Vimal. Yuyam. Brahmatartu. Yuvamatartu. Yuyam atlat bulunduk yak insan. Ya insan. Ye mera fix hai. Sanskrit mein adhan fulo. Ye fix hai sirf aur sirf subject ke rup mein. Tum, yuvam, yuyam. Tum, tum karo, tum karo. ये तीन के साथ छोड़ ही नहीं सकते और इसी बात का बात है सी था यदि वाक्य का सब्जेक्ट कम होगा अगर वह वाक्य लटकता में होगा उसके साथ हम सी लगाएंगे अगर कम होगा तो क्रिया के साथ था लगाएंगे और यदि कर्ता मेरा नियम था जैसे हुए तुम बढ़ते हो भ्रम जो है मध्यम पुरुष के एक वचन में है इसलिए क्या भी कहेगा मैं भी मध्यम पुरुष के एक वचन में रहूंगा इसलिए तुम पढ़ी आप तुम दोनों पढ़ते हो तुम दोनों का संस्कृत युवा होता है जो दो वचन में हुआ इसलिए इसके साथ था गुणवान पठ था अब यदि करता मेरा यम रूप पढ़ते हो तो युगम पठ पठा सी था था युवा पठ सी युवान पठ था युयम पठा तो हमने अभी तो हमने क्या बताया कर्ता जिस पुरुष
जब मैं पढ़ता हूं आप पढ़ाती हम दोनों पढ़ते हैं पढ़ावा हम लोग पढ़ते हैं संस्कृत में तीन पुरुष होता है प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष उत्तम प्रथम पुरुष का परिभाषा हमने बताया जिसके बारे में कुछ कहा जाए ही सी इट नेमिंग वो मेरा प्रथम हो जाएगा सेकेंड हुआ सुनने वाले दैट इज यू तुम दोनों तो लोग ये फिक्स है तीन के सिवा मध्यम पुरुष में सब्जेक्ट मेरा कुछ हो ही नहीं सकता। अब हम आते हैं उत्तम पुरुष बोलने वाला बोले जैसे मैं बोलता हूं तो इसमें भी मेरा सब्जेक्ट फिक्स है अहम अव तो स्पष्ट है संस्कृत व्याकरण में अहम आव वयम त्वम युवाम युयम ये चार शब्द को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ या चार शब्द को छोड़कर शेष जितना भी मेरा सब्जेक्ट होगा वह केवल और केवल प्रथम ही होगा आसान है जब तुम उन दोनों तुम लोग मेरे दिमाग में आएगा मध्यम पुरुष मैं हम दोनों हम लोग ये तीन उत्तम आएगा रेस्ट जितना भी सब्जेक्ट होगा वो प्रथम पुरुष में होगा इसलिए हम लोग सब्जेक्ट को बैठे में किसी तरह की परेशानी नहीं होगा जैसे तुम इस दो से तो आप आसानी से बच्चे जैसे आप हिंदी में करते हैं
लड़का, उसका प्रवचन लड़के, राते नदी, नदियां लड़की लड़कियां। जब ही हम अंग्रेजी पढ़ते हैं बॉय बॉयज, गर्ल गर्ल्स, बॉय बॉयज, बेबीज बेबी बेबीज, जबकि आप हिंदी और संस्कृत में केवल दो से वंचित है। आप संस्कृत वाले उस्ताद भाई हम तीन बोले। अब यहाँ एक प्रश्न है, हिंदी और अंग्रेजी वाले ने पूछा संस्कृत से भाई तुमने छिपा कहा से ले आए, तो उन्होंने कहा भाई हमने ले आया। तो भीता हमको जानते हैं लड़का लड़के रात रात बॉय बॉय पत्थर दे दे बेबी बेबी, हम कैसे जानेंगे कि तू वचन है। तो संस्कृत वाले ने कहा कि तू वचन जो हमारा है हमको पहचानना बहुत आसान है। कहा कैसे, न हाथ है न पैर है न मुड़ी है, कैसे जानेंगे तुम तू वचन का कहा हो। तो उन्होंने कहा हमने आगे और पीछे दो संज्ञा के पहले और सर्वनाम के बाद, जैसे लड़का अपरिचित हो गए वचन, लड़के अपरिचित हो गए वचन, तो संज्ञा है उसके आगे दो लड़के, दो लड़का, दो घोड़ा, दो कुत्ता, दो बिल्ली। और सर्वनाम के बाद में जैसे मैं एक वचन, एक वचन वह, एक वचन वे सब, बहुवचन तुम लोग, बहुवचन हम लोग, बहुवचन। तो फिर दो वचन कैसे जानेंगे, तो वह दोनों, तुम दोनों, हम दोनों, तो उसके बाद में दो लगा। तो संस्कृत में पुरुष की संख्या तीन है और वचन भी तीन है। अब जैसे एक पत्र बस लगे जिस शब्द से, जैसे शब्द से, जिस शब्द से एक संख्या, एक संख्या का बोध हो, पत्रम त्वम अहम आदि, ये सारे आवाज की नियमित पर है। ये प्रथम पुरुष का एक वचन, अब त्वम मध्यम पुरुष का एक वचन और अहम उत्तम पुरुष का एक वचन। अर्थात डी लगेगा, इसमें सी लगेगा, इसमें आ लगेगा, क्योंकि पहला गुण है कर्ता, जिस पुरुष जिस वचन में हुआ क्रिया हुई उसी पुरुष उसी वचन उसी कर्ता में होगी। अब हमारा नंबर दो जिसे शब्द से दो संख्या का, दो संख्या का दो हो, जिस शब्द से जिस संख्या या सर्वनामिक शब्द से दो का दो हो उसे हम द्विवचन कहते हैं। जैसे बजो पत्ते युवा आ, देखिए तो दोनों
सा तब जिसका
जैसे ब्राह्मण नदी मुनि इत्यादि यानी नहीं हो वही नाम संसार का वही ही नाम होना वो बुद्ध पुरुष का के वचन बस तैयार का सब्जेक्ट होगा उसके बाद दो वचन में आते हैं नाम तो ते फिर ते रमो नद्यो मुनि अब कौन है दोनों देवने भी के दोनों देवने भी के दोनों रामो बने दोनों नद्यो बने दोनों दी मुनि मतलब दोनों जैसे हम देखेंगे तो मेरा दो बच्चन हो जाएगा अब ते ता तन रावा नद्या मुनिया अब ये आपका विशेष व्यक्तिगत होगा युवा होगा युवा होगा आहार होगा पढ़ना लिखना उठना बैठना खाना पीना आसमान लगाना
पढ़ना घूमना ढूंढना ये सारा क्रिया है और ढूंढाती जो आगे चल